एक समय की बात है, श्रीरंगपुर नाम के शहर में लखन और सरिता नाम का एक जोड़ा रहता था। लखन एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और सरिता भी घर का काम होने के बाद दो तीन घर का काम कराती थी। जितने भी उन्हें पैसे मिलते उनमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। एक दिन लखन को गाँव से किसी का फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके माँ पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो अब चल फिर भी नहीं सकते। उस दिन दोनों घर पर बहुत सोचते हैं और अपने गांव वापस जाने का निर्णय लेते हैं और दूसरे ही दिन गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते से जाते वक्त सरिता लखन से, अजी एक बात कहूँ, माँ पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम शहर से वापस तो आ गए, लेकिन गाँव में हम क्या करेंगे? गाँव जाकर क्या करेंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन सरिता मुझे चाउमीन नूडल्स बनाना बहुत अच्छे से आता है, वही बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। जी लेकिन ये तो गांव है, यहाँ चाउमीन चलेगा? अरे ऐसे कैसे नहीं चलेगा, एक बार मेरे हाथ के नूडल्स ये लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना तुम। जैसा आपको ठीक लगे। घर जाकर दोनों अपने माँ पिताजी के पैर छूते है और उनसे आशीष लेते है। लखन माँ पिताजी से, माँ पिताजी आज से हम आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लखन बेटे तुम यहाँ रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे बेटा? अरे पिताजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर अपना काम शुरू कर रहा हूँ। दूसरे ही दिन लखन ने गांव में चाउमीन की रेडी लगा दी। पूरे दिन लखन की रेडी पर कोई नहीं आया। ऐसे ही 10-12 दिन बीत जाते है लेकिन फिर भी उनकी रेडी पर कोई नहीं आता था। सभी लोग गाड़ी की ओर देखते और बातें बनाते थे। अरे भाई पता नहीं ये लखन क्या लाया है गांव में, क्या बेच रहा है क्या पता, हमें तो उसका ठीक से नाम भी लेना नहीं आता। अरे आइए ना काका, जरा खाकर तो देखिए। लोग लखन की बातें अनसुनी करके वहां से चले जाते थे। 10-12 दिन बीत चुके थे लेकिन एक भी ग्राहक लखन के बनाए नूडल्स खाने नहीं आया था। अब सरिता अपने पति से, अजी आज तो 10-12 दिन बीत चुके हैं हमें यहाँ आए हुए लेकिन कोई हमारी रेडी की ओर देखता भी नहीं, क्या होगा हमारा? अरे सरिता तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मेरे दोस्त श्याम से बात करता हूँ। लखन श्याम का एक दोस्त है जिसके गांव में छोटी सी दुकान है। लखन को लगता है शायद श्याम उसकी कोई मदद कर दे, इसीलिए लखन श्याम से मिलने के लिए रात के समय उसके दुकान पर जाता है और श्याम से, अरे श्याम यहाँ कैसे लोग हैं भाई, जो मेरी रेडी को देखते तो है लेकिन आता कोई नहीं और बातें बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। लखन देखो ये गांव है, यहाँ लोग सोच विचार करके ही कुछ खरीदते हैं और लोगों को पता ही नहीं कि आखिर ये चाउमीन होता क्या है, तो वो तुम्हारी गाड़ी पर कैसे आएंगे बताओ? तुम्हें लोगों को पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, यही तुम्हारी परीक्षा होगी। अब लखन को समझ आ चुका था कि आखिर लोग उसकी रेडी पर क्यों नहीं आ रहे थे। लखन घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी से, सरिता आज मैं शाम से मिलने गया था, उसने मुझे बताया कि हमारे ठेले पर लोग क्यों नहीं आते। अच्छा तो अब आपने क्या सोचा है? सरिता अब पहले हम लोगों को मुफ्त में चाउमीन खिलाएंगे ताकि लोगों को उसके टेस्ट का पता चले, कल से हम 2-3 दिन यही करेंगे। ऐसा कहकर लखन सोने चला जाता है। अब दूसरे दिन सरिता और लखन दोनों मिलकर लोगों को फ्री में चाउमीन खिलाते हैं। लोग भी बड़े मजे लेकर नूडल्स को टेस्ट करते हैं। उनमें से एक आदमी राघव लखन से, अरे वाह 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 क्या चीज बनाई है भाई तुमने, बड़ा मजा आ गया, आज तक तो देख ही रहे थे कि ये क्या है, आज खाकर समझ आ गया क्या लाजवाब नूडल्स है ये। उस दिन से लखन को तो जैसे लॉटरी लग गई थी, उसे बड़ा मुनाफा होने लगा था, लोग उसके हाथ के नूडल्स खाने के लिए भीड़ करने लगे थे। लेकिन अब इस बात का लखन को घमंड आने लगा था, वो अब लोगों से बदतमीजी से बातें करने लगा था और तो और उसने नूडल्स के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन एक ग्राहक लखन से, अरे लखन तूने अचानक से ये नूडल्स के दाम क्यों बढ़ा दिए भाई? अरे ओ काका तुम्हें नूडल्स खाने हैं तो खाओ, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, मेरे अलावा कौन है तुम्हें नूडल्स खिलाने वाला। वो ग्राहक पैसे देकर वहाँ से चला जाता है
अब धीरे धीरे उसकी बदतमीजी से बात करने के कारण लोगों का नूडल्स खाने के लिए आना बंद हो गया था। अब फिर से लखन वही आ पहुंचा था जहां से उसने शुरुआत की थी। उसके गाड़ी पर अब गिने चुने लोग ही आते थे। लखन को अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था। लखन खुद से, हे भगवान, ये सब मेरे बुरे बर्ताव की वजह से हुआ है। मैं आज से मेरे ग्राहकों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा। अब उसे समझ में आ चुका था कि आखिर उसने क्या गलती की है। अब उसने फिर से अपने नूडल्स के दाम पहले जैसे कर दिए और लोगों से बड़े प्यार से बातें करने लगा, जिस कारण उसका नूडल्स का धंधा फिर से जोरों से चल पड़ा और सभी गांव वाले भी खुश थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी तरक्की कर लो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हमें फिर से वही लेकर आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। एक वक्त की बात है, एक छोटे से कस्बे में श्याम नामक एक नौजवान रहा करता था। श्याम एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और वो पूरी मेहनत से मन लगाकर एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करता था। और श्याम वहाँ पर पिछले 4 सालों से कार्यरत था, पर उसके कठिन परिश्रम और लगन की कभी भी प्रशंसा नहीं होती। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसे हमेशा ये जताया जाता था कि वो अपना सर्वोत्तम नहीं दे रहा है। वो चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसके मालिक भैरव को हमेशा उसमें कमी ही नजर आती थी। अरे श्याम, बच्चों के कपड़ों की नई डिजाइन की कलेक्शन का क्या हुआ? क्या वो अभी तैयार है? मैं उन्हीं पर काम कर रहा हूँ सर। क्या, अभी भी उसी पर काम कर रहे हो? मुझे वो 1 घंटा पहले चाहिए था। पर सर, आपने तो वो प्रोजेक्ट मुझे 2 घंटे पहले ही दिया था। अरे तो 1 घंटा काफी नहीं होता है क्या? इतने से काम में कितना वक्त लगता है तुम्हें? सर, आप मुझे बस कुछ घंटे और दे दीजिए, मैं उसे तैयार कर दूंगा। अरे तो 1 घंटा काफी नहीं होता है क्या? इतने से काम में कितना वक्त लगता है तुम्हें? पर ठीक है। अरे श्याम, क्या तुम लंच के लिए आ रहे हो? नहीं, आप लोग लंच कीजिए, मुझे इसे तैयार करना होगा। ठीक है। सर, मैंने वो डिजाइन तैयार कर दी है। कौन सी डिजाइन? बच्चों के कपड़े के लिए जो आपने बताया था। पता है, मैंने अभी अभी सोनल से बात की। उसका मानना है कि बेहतर होगा यदि हम पहले लेडीज कलेक्शन बाहर लाए। ओह हाँ, इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाले कपड़ों की डिजाइन तैयार करो और मुझे 1 घंटे में दो। क्या, 1 घंटे में? क्या हुआ, कोई समस्या है श्याम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बढ़िया। और सर, इन डिजाइनों का क्या? उन्हें भूल जाओ, उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दो, मुझे परवाह नहीं। इसी तरह बेचारे शाम को कम तर आका जाता था। वो हमेशा देर रात तक काम करता था, जबकि उसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी चले जाते। और जैसे ही उसे लगता कि उसका दिन खत्म हो गया, वैसे ही उसे कुछ और ज्यादा काम दे दिया जाता। शाम, बहुत अच्छे, तुम अभी भी यही हो। सर, क्या आपको लेडीज कलेक्शन पसंद आया? वो इतने बढ़िया नहीं थे, पर इस वक्त मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बच्चों के कपड़े की डिजाइन कहा है? ओह, उन्हें तो मैंने फेंक दिया। सर, आपने ही तो कहा था उसे फेंक देने के लिए। ओह श्याम श्याम श्याम, मुझे तुम्हारे बहानों से नफरत है। मुझे वो डिजाइन मेरे टेबल पर चाहिए, कल मेरे ऑफिस पहुँचने से पहले, समझे? जी सर, जरूर। अब मुझे पार्टी के लिए देर हो रही है। बाय मिस्टर बहानेबाज। उस रात शाम बहुत देर तक काम पर रुका रहा। पहले की कई रातों की तरह घर वापस लौटते समय उसने वो ठंडा सैंडविच खाया जो उसने लंच के लिए लाया था। रास्ते से चलते वक्त शाम सोच रहा था, कोई बात नहीं, आखिर मेरे काम की जरूर कदर होगी। कल सर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की घोषणा करने वाले हैं। मुझे यकीन है कि वो अवार्ड मुझे ही मिलेगा। शाम अपनी माँ के साथ एक छोटी सी बस्ती में एक छोटे से घर में रहता था और जीवन यापन करना उसके लिए बहुत आसान नहीं था। सोचते सोचते शाम घर पहुंच जाता है, तभी शाम की माँ शाम से, शाम, ये तुम हो? जी माँ, मुझे माफ करना, मुझे आज फिर से देर हो गई। मैं जल्दी आपके लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। ये लो माँ, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। मकान मालिक फिर आया था, उसे पिछले 3 महीनों का किराया चाहिए, वरना हमें ये घर खाली करना होगा। बेटा चिंता मत करो माँ,
मुझे यकीन है कि कल मुझे प्रमोशन मिलेगी और फिर हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। तुम बहुत मेहनत करते हो बेटा, मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारे हक का जरूर मिलेगा। उस रात शाम एक उम्मीद के साथ बिस्तर पर सो गया कि अगली सुबह उसके जीवन में खुशियाँ लाएगी। अगले दिन शाम चेहरे पर मुस्कान लिए काम पर गया, इस विश्वास के साथ कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ट्रॉफी उसी को मिलने वाली है। सुनिए, सब ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, समय आ गया है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की घोषणा करने का। कोई इंसान जिसने केवल सच्ची उत्कृष्टता, लगन और अनुशासन दिखाया, बल्कि सभी चीजों को करने के लिए हद से आगे गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिस सोनल। क्या ये क्या बात है सोनल, बहुत बहुत बधाई सोनल। शाम भूत बना खड़ा रहा, जैसे कि उसके आसपास की दुनिया खींचकर सिकुड़ गई हो। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने हर एक को सोनल को बधाई देते हुए देखा, जिसने सिर्फ 4 महीने पहले ही कंपनी ज्वाइन की थी। अरे ये तो नाइंसाफी है, पर मैं उसके लिए खुश हूँ। शाम सड़क पर अपने विचारों में खोए हुए बेमकसद चलता रहा। वो बकाया और इकट्ठा हो गया। किराया, अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे, उसकी मेहनत का सिला ना मिलना, इन सारे ख्यालों को अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा। शाम रास्ते से चलते जा रहा था, चलते चलते उसको एक छोटे पत्थर से ठोकर लग जाती है। तभी एक दादाजी शाम से, अरे बेटा वो मेरा पत्थर है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपका है, ये लीजिए। शुक्र है कि इसके किनारे नहीं टूटे, मेरा बेशकीमती पत्थर। जी मेरे पूछने पर एतराज मत कीजिएगा, पर इस मामूली से पत्थर के टुकड़े में आखिर क्या खास बात है? मामूली बेटे, दुनिया में कोई भी चीज मामूली नहीं होती, हर चीज की एक अनोखी कीमत होती है, यदि आप उसे सही जगह पर रखे। मैं समझा नहीं। ठीक है, ये पत्थर ले लो और वहाँ स्टेशनरी स्टोर पर जाओ और उनसे पूछो कि वो इसके लिए कितना पैसा देंगे, बस इसकी कीमत का पता चल जाएगा। श्याम स्टोर में गया और कुछ समय के बाद वापस आया। 100 रुपए, वो इसके लिए इतना ही देंगे। ठीक है, अब देखो वो गहनों की दुकान वहाँ दिखाई दे रही है ना, वहाँ जाओ और उनसे इसकी कीमत पूछो। श्याम ने सिर हिलाया और स्टोर रूम में गया। वो कुछ समय के बाद वापस आया। 500 रुपए बस, वो इसके लिए इतनी ही कीमत अदा करेंगे। अच्छा ठीक है, अब वहाँ उस म्यूजियम में जाओ और उनसे पूछो वो कितना दाम देंगे इसका। असमंजस में पड़े श्याम ने सिर को हिलाया और उस म्यूजियम में गया। वाह क्या बात है, ये एक मामूली पत्थर नहीं है दोस्त, ये तो एक नायाब चांद का उल्का पिंड है जनाब। ठीक है तो आप कितने पैसे देंगे इसके? मैं तुम्हें इसके लिए 50 लाख दूंगा। श्याम दौड़ता हुआ दादाजी के पास गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए। अब ये इतना मामूली नहीं है ना श्याम। ये जानकारी तो इतनी चौंकाने वाली है कि कोई चीज जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, वो बस 50 रुपए है उस स्टेशनरी स्टोर पर और 500 रुपए उस गहनों की दुकान पर। बिल्कुल, हम लोग भी बस इस पत्थर के टुकड़े के तरह ही है, हम सब अपने साधारण रूप में बहुत असाधारण हैं। फर्क बस इससे पड़ता है कि हम खुद को कहाँ रखते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ श्याम कि सही जगह ही सही तरीके से तुम्हारी कीमत को आंकती है। खुद को गलत चीज पर मत डालो, उदास और निराश मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत उन्हें पता ही नहीं है। बाकी तुम जानते हो क्या करना है, इसे अच्छे से इस्तेमाल करो। एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता? श्याम और कुछ उनसे पूछता, तभी वहाँ कुछ भीड़ आ जाती है और दादाजी गायब हो जाते हैं। क्या वो कहाँ चले गए? श्याम ने आसपास उस बूढ़े आदमी की तलाश की, पर वो कहीं नहीं मिले। और उसी पल हवा का एक झोंका आया जो बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम था। वो उसके चेहरे को छू कर गया और उस दिन पहली बार उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे का भाव दिखाई दिया। उसने पत्थर अपने जेब में डाला और अपने ऑफिस चला गया। ओ नहीं, वो वहाँ काम करने वापस नहीं गया, वो वहाँ गया अपना बैग वापस लेने और मिस्टर भैरव को ये बताने कि अब वो वहाँ काम नहीं करने वाला।
अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। श्याम ने एक और कपड़ों की कंपनी में नई नौकरी ढूंढ ली, जो न सिर्फ उसके हुनर की कद्र करती थी बल्कि इंसान के रूप में भी उसका आदर करती थी। उसने अपने सारे कर्ज उतार दिए और अपनी माँ के लिए एक नर्स रख ली जो हर समय उसकी देखभाल कर सके। अब श्याम ना केवल खुश था बल्कि संतुष्ट भी था, क्योंकि अंत में उसने उसकी कीमत पहचान ली थी और वो ऐसी जगह पर था जहाँ हर कोई भी यही करता। और जहाँ तक उस पत्थर के टुकड़े का सवाल है, श्याम हमेशा अपने पास रखता उस आदमी की स्मृति के स्वरूप में, जिसने उसे बहुत बड़ा सबक सिखाया था, सही जगह तुम्हारी कीमत सही तरीके से आंकती है। देखा दोस्तों, सही जगह ही सही तरीके से तुम्हारी कीमत को आंकती है, इसीलिए खुद को गलत चीज पर मत डालो। उदास और निराश मत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी कीमत किसी और को पता नहीं होती। और हाँ, जो इंसान तुम्हें हमेशा नीचा दिखाए, तुम्हारे काम को हमेशा अनदेखा करे, ऐसे लोगों के साथ कभी काम मत करो। हर एक इंसान अपने आप में बहुमूल्य होता है।